हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक द फिटनेस जोन। तो कैसे हैं आप सब? हम आ गए हैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने, वापस अपने जिम में इंडोर एक्सरसाइज करने स्ट्रेंथ वर्कआउट के साथ। अभी तक हम पार्क में आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, थेरा बैंड से पुलअप्स और भी कुछ एक्सरसाइज, लेकिन अब हम आ गए हैं प्रॉपर वर्कआउट करने अपने शेड्यूल के साथ। जी हाँ, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बॉडी पार्ट बैक, जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, ज्यादातर बाइसेप चेस्ट वगैरह पे ध्यान देते हैं, पर बैक ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बैक की, उसको आप मत स्किप करिए। उसके लिए हमने पांच बहुत ही जबरदस्त बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज आपके लिए चूज की है, उसको आपको बताएंगे कैसे परफॉर्म करना है, तो स्किप मत करिएगा वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए और इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट प्लान में जरूर शामिल करिए। जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे करना है। करते हैं अपनी बैक मसल वर्कआउट। बैक मसल में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहली जो एक्सरसाइज होगी वो हम लैट पुल डाउन करेंगे। सबसे बेसिक एक्सरसाइज है और कॉमन एक्सरसाइज है, बट यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। वेट लगाते हैं सबसे पहले। ये हमारी ग्रिपिंग रहेगी कुछ इस तरह से, स्ट्रेट बैठेंगे बिल्कुल, चेस्ट अप रहेगा, कुछ इस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। ये हमारी बैक की पहली एक्सरसाइज थी लैट पुल डाउन। इसके पोस्चर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करेंगे तो एक्सरसाइज गड़बड़ हो जाएगी इसकी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं अपनी सेकंड बैक। तो गाइस, पहली एक्सरसाइज हमने लैट पुल डाउन हमारे पार्टनर ने आपको बता दी है कैसे उसको परफॉर्म करना है, तो हम बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो है सीटेड रोइंग। सीटेड रोइंग हम दो तरीके से आपको बताएंगे, पहला ये हमारे पास मशीन है, इस पे परफॉर्म करके आपको बताएंगे, और दूसरा अभी वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए, इस पे आपको कैसे पोजिशन लेना है, क्योंकि वेट लगा लेते हैं पहले। हाँ तो गाइस देखिए, इस पे पैर को ऐसे फिक्स करना है और चेस्ट अप करके बैठना है, और ग्रिपिंग देख लीजिए। पहले तो आप अपना बैक को पहले फॉरवर्ड की तरफ रिलीज कर दीजिए पूरा, जितना जहां तक, जैसे ये होल्ड नहीं करना है आपको, पहले रिलीज कर दीजिए पूरा, आगे फॉरवर्ड रिलीज कर दीजिए पूरा बैक। उसके बाद फिर यहाँ से स्क्वीज करते हुए बैक को रोइंग एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, स्लोली फिर से रिलीज करेंगे पूरा स्ट्रेच होने की बैक आगे की तरफ, वापस से पुल करते हुए स्क्वीज करते हुए बैक को होल्ड करेंगे। ब्रीथ आउट करें स्क्वीज करते समय, ऐसे ही आपको 15 से 20 रेप्स लगाने हैं। तो ये थी हमारी दूसरी बैक की एक्सरसाइज सीटेड रोइंग, और इसका जो सेकंड वेरिएशन है वो आइए हम आपको बताते हैं। उसको दूसरा जो वेरिएशन है वो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे रोप के साथ। पोजीशन देख लीजिए, पैर फिक्स होगा आगे हील पे, यहां से सेम वही रोइंग परफॉर्म करेंगे, स्क्वीज करेंगे बैक को, होल्ड करेंगे, देन रिलीज करेंगे पूरा बैक फॉरवर्ड रिलीज करेंगे, ये ऐसे यहां से फिर स्क्वीज करते हुए होल्ड करेंगे, देन फिर रिलीज करेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही इफेक्टिव है। तो चलिए बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी है बेंट ओवर रोइंग। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है, दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं लैट पुल डाउन, उसके बाद सीटेड रोइंग, अब हम करने वाले बेंट ओवर रोइंग, जिसमें हमें बारबेल रॉड की जरूरत होगी। ये हमारी बारबेल रॉड है, इसमें हम वेट लेंगे, ध्यान रहे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिम में, पहले वेट फिक्स करो। ये हमारी बेंट ओवर एक्सरसाइज है, देख लीजिए पोस्चर क्या होगा, हमारे जो पैर हैं बारबेल रॉड के थोड़ा पास रहेंगे, बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल कर्व नहीं होगी, मैं बैक कर्व नहीं होनी है, स्ट्रेट रहेगी, वरना फिर इंजरी हो सकती है। ये हमारी ग्रिप है, देन
कुछ इस तरह से हम हमारा पोस्चर होगा और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, पूरा स्क्वीज करेंगे, देन रिलीज अप। काफी अच्छी एक्सरसाइज है, पूरा फोकस करते हुए लगाएं। ये हमारे पार्टनर की वैसे फेवरेट एक्सरसाइज भी है, बेंट ओवर रोइंग। तो इसके भी हम तीन सेट करेंगे, जो हमने पहले एक्सरसाइज बताई हैं उनके हमें तीन सेट करने हैं। इसके लिए हम तीन सेट करेंगे, वेट हम इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। मेन ध्यान रखना हमें पॉस्चर का और माइंड मसल कनेक्शन का, बहुत ज़रूरी है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस मसल के लिए, उस पर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइज थर्ड एक्सरसाइज हमारी होगी बेंट ओवर रोइंग, जो हमारे पार्टनर ने आपको बताई है। तो हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है फोर्थ, तो उसमें हम करेंगे वन आर्म डंबल रोइंग। देखिए कैसे करना है, उसके लिए आपको एक डंबल चाहिए होगा, वेट हो आपके हिसाब से। और पोजीशन देख लीजिए, जब आप राइट हैंड से परफॉर्म करना होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट लेग जो है वो आपका बेंच पे होगा और राइट लेग वो स्ट्रेट होगा, थोड़ा बाहर की तरफ होगा। ये देखिए ऐसे पोजीशन में होगा और लेफ्ट हैंड जो है कर्व्ड होगा और वो सामने बेंच पे होगा। उसके बाद राइट हैंड से डंबल पकड़ेंगे, पूरा नीचे रिलीज कर देंगे बैक को सामने की तरफ, यहाँ पे देखिए। उसके बाद वापस से रोइंग करते हुए, स्क्वीज करते हुए बैक को होल्ड करेंगे, देन फिर स्लोली रिलीज करेंगे, पूरा रिलीज करेंगे बैक को। और गाइस ये जो आपकी बैक है ये कर्व नहीं होनी चाहिए, यहाँ से देखिए कर्व नहीं होगी, पूरा ये पूरा फ्लैट होगा। देन आपका ये जो बैक मसल जो है अच्छे से ट्रेन होगी। फोकस करते हुए परफॉर्म करें, बहुत ही स्लोली परफॉर्म करें, होल्ड करें, ब्रीथ आउट करें, कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें, देन स्लोली रिलीज करें, पूरा रिलीज करें, उसके बाद वापस से परफॉर्म करें। तो सेम आप जो है दूसरे हाथ से परफॉर्म करेंगे, सेम वही होगा, उसमें राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, लेफ्ट पैर राइट पैर ऊपर आ जाएगा, राइट हैंड ऊपर आ जाएगा और लेफ्ट लेग नीचे चला जाएगा। यहां से भी सेम परफॉर्म करेंगे, बैक फ्लैट होगी, होल्ड, ब्रीथ आउट, स्लोली रिलीज, पुल, होल्ड, रिलीज। तो ऐसे ही आपको ये पूरा परफॉर्म करना है दोनों हाथों से। इसके आपको तीन सेट लगाने हैं 15 से 20 रेपिटेशन के। तो ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज होगी वन आर्म डंबल रोइंग। फिर हम बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है। इसमें हम करने वाले हैं पुल ओवर। यहाँ से हम अपनी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे आज के वर्कआउट सेशन को। तो चलिए लास्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं पुल ओवर। पुल ओवर हम पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं, हमारी वीडियोज पड़ी हैं, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। इसमें हम डंबल हमने लिया हुआ है पुल ओवर के लिए, बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन हमने रखा है वेरिएशन चेंज करके। ध्यान रहे पुल ओवर चेस्ट में भी हम लोग अप्लाई करते हैं पुल ओवर की एक्सरसाइज, बस डिफरेंस क्या होता है, चेस्ट जब लगाते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज में, ये हमारी एल्बो ये खुली नहीं होती, ये ऐसे इस तरह से रहती है अंदर की तरफ। बट जब हम अभी बैक लगाएंगे तो हमारी एल्बो ये बाहर की तरफ खुली रहेगी, बाहर ये एल्बो हमारी खुली रहेंगी। इस तरह से हम बैक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे पुल ओवर, ये डंबल स्लोली नीचे ले जाएंगे, अब फुल रेंज ऑफ मोशन कुछ इस तरह से। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कुछ इस तरह से हम पुल ओवर को परफॉर्म करेंगे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। तो फ्रेंड्स हमने अपना बैक वर्कआउट आज का कंप्लीट कर लिया, आज का हमारा सेशन यहीं तक था। 5 जबरदस्त एक्सरसाइज हमने आपको बताई हैं। जी हाँ, तो इन 5 एक्सरसाइज को अपने बैक डे पे अपनी रूटीन में ऐड जरूर करें, बहुत ही इफेक्टिव होगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है इन एक्सरसाइज को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कमेंट कर सकते हैं। तो जरूर बताएं हमारी एक्सरसाइज कैसी लगी, और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम आपको और क्लियरिटी देंगे किसी एक्सरसाइज को लेके, किसी बॉडी पार्ट को लेके।
तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।